बुलंदशहर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक कुख्यात टॉप 10 बदमाश को गोली लग गई। दरअसल पुलिस को बदमाशों के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। आपको बता दें कि बदमाशों पर 25,000 का इनाम रखा गया था। पुलिस कई दिनों से इन बदमाशों की तलाश में थी। आज रात गुलावटी थाना क्षेत्र में बरमतपुर गांव के बम्बे के पास एक पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी कुख्यात गोकस अरमान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है तथा इसका दूसरा साथी अब्बू तलहा जो जनपद हापुड़ का रहने वाला है मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक बछड़ा, तमंचा, कारतूस, चाकू तथा गोकशी से संबंधित तमाम उपकरण बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि घायल गिरफ्तार अभियुक्त अरमान जनपद का टॉप 10 का अपराधी था और जून माह से इसके ऊपर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी।